हेलो दोस्तों दोस्तों, आज हम आपके लिए बड़ी ही खास न्यूज़ लेकर आए हैं। जैसे कि आप सब भी जानते ही हैं, लॉकडाउन की वजह से हमारा घर से बाहर आना जाना सब बंद हो रखा है, और हमारे जो मजदूर भाई बहन हैं उनको राशन मिलना भी बड़ी दिक्कत वाली बात हो चुकी है। जो डेली वेजेस पे कमाते थे, खाते थे, उनके लिए राशन भी नहीं मिल पा रहा है, और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से एक बड़ी ही गुड न्यूज़ आई है। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि वो दिल्ली में रहने वाले हर एक व्यक्ति को राशन प्रोवाइड करेंगी फ्री में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दिल्ली में सभी को राशन मिलेगा, चाहे राशन कार्ड हो या ना हो। एक दिल्ली गवर्नमेंट ने ई कूपन निकाला है, ई कूपन के द्वारा आप राशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो ई कूपन वो कैसे, उसकी एप्लीकेशन होती है और उससे कितना राशन मिलेगा, कैसे राशन मिलेगा, तो इस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो हमारी इस वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा, और फ्यूचर में ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस के अपडेट अपने पास रिसीव करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले जो ई कूपन है इसको रिसीव करने के लिए हमारे पास आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें आधार कार्ड चाहिए और एक मोबाइल नंबर चाहिए। उस मोबाइल नंबर पे क्या होगा, ओटीपी वेरीफाइड होगा, और हमें हमारे फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी मेंबर्स के हमारे पास आधार कार्ड होने चाहिए, तभी हमें उन फैमिली मेंबर्स का राशन मिलेगा। और अगर किसी का आधार कार्ड नहीं बना हुआ है हमारी फैमिली में तो उसका राशन नहीं मिलेगा। तो राशन जो है केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका पास आधार कार्ड अवेलेबल है। और साथ में हम जो भी हमारे घर में हेड होगा उस हेड का हम आधार कार्ड अपलोड करेंगे वेबसाइट पर, और उसके बाद हमें एक ई कूपन रिसीव हो जाएगा हमारे मोबाइल नंबर पे। और ये ई कूपन हम डाउनलोड करके हम अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन लगानी है आपको ई कूपन के लिए, तो ये वो साइट है दिल्ली गवर्नमेंट की, आप इस साइट पर जाकर ई कूपन की जो एप्लीकेशन है वो लगा सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि ये ई कूपन किस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं, इसका लाइव डेमो देख लेते हैं अब हम। तो हमें जाना है दिल्ली गवर्नमेंट की साइट पे। दिल्ली गवर्नमेंट की साइट पर जाने के बाद ये हमारा पोर्टल खुल जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट का। उसके बाद हम जाएंगे अप्लाई फॉर टेम्पररी राशन कार्ड, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसके बाद हमें करना है कंटिन्यू, और कंटिन्यू करने के बाद हमें सबमिट करनी है न्यू एप्लीकेशन। न्यू एप्लीकेशन हम सबमिट करेंगे तो ये इस तरीके से हमारा जो फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ओटीपी वेरिफिकेशन ऑलरेडी किया हुआ है तो ये इस वजह से ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं मांग रहा। यहाँ पे हमें फैमिली मेंबर्स की डिटेल डालनी होगी। तो जब आप पहली बार ये करेंगे अपना ई कूपन अप्लाई, तो आपको मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी वेरीफाई करना होगा। लेकिन क्योंकि मैंने ओटीपी पहले से ही वेरीफाई कर दिया है, तो इस वजह से ही मेरा जो राशन कार्ड का फॉर्म है ये ओपन हो चुका है। अब हम इसमें राशन कार्ड का जो फॉर्म है इसमें अपने जो हेड है उसका आधार कार्ड, उसका नाम, एज, ये सारी की सारी चीज़ें फिल कर देंगे। फिर अपने फैमिली मेंबर्स की जो डिटेल्स हैं, जितने भी फैमिली मेंबर हैं जिनके पास आधार कार्ड अवेलेबल है उन सभी की डिटेल फिल कर देंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर पे हमें ई कूपन रिसीव होगा जब हम ये सबमिट कर देंगे एप्लीकेशन, तो उसके बाद ई कूपन जो होगा राशन वाला वो हमारे मोबाइल पर आएगा, तो वो मोबाइल हमें यहाँ पर डालना है। उसके बाद हमारा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, अगर हम सादरा में है तो सादरा हमें यहाँ डालना है। उसके बाद लोकेलिटी, अगर हम ओल्ड सीमापुरी में है तो हमें ओल्ड सीमापुरी यहाँ डालनी है। और उसके बाद यहाँ पे हमें पिन कोड डालना है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद हम इसे चेक करके और फिर हम इसे प्रोसीड करेंगे। तो पहले हम इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हैं सारी, और उसके बाद हम इसे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद हम अपने यहाँ पे आधार कार्ड डाउनलोड हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, और उसके बाद हम इसे सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने के बाद जो हमारा मोबाइल नंबर होगा, ये हमारी जो एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, हमारा वेटिंग नंबर ये आ गया है, और हमें एक SMS रिसीव हो जाएगा जैसे ही हमारी एप्लीकेशन ये प्रोसेस हो जाएगी। तो मुझे गाइड मैसेज आ चुका है, और मेरे मैसेज पे जो ई राशन कार्ड है उसका जो लिंक है वो अवेलेबल है, और मैं वहाँ से डाउनलोड करके अपना राशन प्राप्त कर सकता हूँ। और ये जो ई कूपन होगा उस पर स्कूल का नाम भी लिखा होगा कि किस स्कूल से आपको जाके राशन लेना है, कितना राशन मिलेगा आपको, कितना किलो गेहूँ, कितना किलो चावल मिलेगा, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर इंफॉर्मेशन होगी। तो गाइज, फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।